भाई ये पूरी चीज़ है ऊपर, फिर अंदर से ये चिकन, और फिर अंदर से ये फ्राइज, कैप्सिकम, मायनीज, ये इसके मज़े को भैया कर रही हैं दो बाला। स्लाइस आ गया पूरा चीज़ का, दोबारा से फ्राइज जाएगी। हाँ दोबारा से फ्राइज जाएगी भाई, दोबारा से सॉस आ गई, दोबारा से चिकन जाएगी। ओहो भाई ये है मज़ेदार, तभी तो इसकी प्राइसिंग 350 रुपये है। फुली लोडेड हो गई है अब ये, और ये चली गई है हमारी माइक्रोवेव में। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीट फूड वीडियो। तो भाई आज मैं आ चुका हूँ कराची की बहुत ही फेमस फूड स्ट्रीट बंस रोड पर। अच्छा भाई यहाँ आने का जो मकसद है ना वो ये था कि कुछ यूनिक, कुछ नया ट्राई करना था। नया तो नहीं कहेंगे, काफ़ी लोग इस पर वीडियोस बना चुके हैं, बट मुझे क्यूरियोसिटी पता है खाने की क्यों थी, कि फ्राइज़ का ना मैं बहुत ज़्यादा ही शौकीन हूँ ना। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पास पूरी फ्राइज़ की ना, फ्रेंच फ्राइज़ की मेरे चैनल पर सीरीज़ पड़ी हुई है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि भाई पिज़्ज़ा फ्राइज़, जो मटके वाली फ्राइज़ जिसमें तंदूरी है, पिज़्ज़ा है, काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं, ये मार्केट में आ चुकी है, मैंने एक दो यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी, मैंने बोला यार चल के ये तो ट्राई करना चाहिए, इसीलिए मैं आ चुका हूँ बंस रोड पे। और मेरे पीछे जो दुकान है ना एक फूड कार्ट, वो बहुत ही फेमस है मटका फ्राइज़ के लिए। तो चलते हैं इनसे अपनी मटका फ्राइज़ लगवाते हैं, ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कैसी है। और आई होप कि अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, इतनी मज़ेदार मज़ेदार वीडियोज़ जो डाल रहा हूँ। अगर नहीं किया ना तो अब तक लाल बटन नीचे दिख रहा होगा, दबाओ, सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ को लाइक करो, पहले फिर प्राइज़ लगवाते हैं और खाते हैं, फिर आपको रिव्यू देते हैं। अब्दुल रहमान कौन सी फ्राइज खिला रहे हो फिर आज हमें? हमारा स्पेशल मटका चिकन तंदूरी है। चलो बिस्मिल्लाह करो, स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या लोगे? मटका। भाई ये अब्दुल रहमान ने यहाँ पे एक बोरी में मटके रखे हुए हैं, फ्रेश साफ सुथरे मटके। ये आ गया भाई मटका, अब इसमें सबसे पहले क्या जाएगा भाई? फ्राइज डालेंगे इसमें। सबसे पहले फ्राइज आ गया। अच्छा फ्राइज पे मसाला वगैरह पहले से लगा हुआ है? हाँ। अच्छा फ्रेश फ्राइज है भाई ये, सबसे पहले इसमें मसाला लगा हुआ है। अब क्या डाल लो? सॉस है ये, स्पेशल सॉस है, मतलब कोई होम हैंडमेड कह लो, हाँ घर में बनी हुई। अब क्या जाएगा भाई यहाँ पे? ये मसाले वगैरह रखे हैं, ये आई थिंक चिकन है। अच्छा ये तंदूरी फ्लेवर चिकन है। हाँ हाय हाय भाई, तंदूरी फ्लेवर में चिकन चला गया इसमें। अच्छा चीज़ स्लाइस भी है इनके पास, और तुम बता रहे थे कि तुमने चीज़ तुम्हारे पास क्रश हुई भी रखी हुई है, ऐसा ही है ना? वो ऊपर है जो। अच्छा वो भी जाएगी भाई ये चीज़। एक स्लाइस आ गया पूरा चीज़ का। कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम आ गई भाई। अच्छा अब दोबारा से फ्राइज़ जाएगी। हाँ दोबारा से फ्राइज़ जाएगी भाई। मगरिब का टाइम हो चुका है, अजानें भी हो रही हैं, कम से कम बोलने की कोशिश करूँगा ताकि जल्दी से ना ये मेरी फ्राइज़ बस माइक्रोवेव में चली जाए। ये भाई फुल लोड कर दी है इसने, शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं इस वक्त हूँ मेन बंस रोड पे, ये देखो, और बिल्कुल बंस रोड के स्टार्टिंग में ही ना इनकी ये जो है ना छोटा सा फूड कार्ट है भाई, इसने पिचका दिया है बिल्कुल फ्राइज़ को। अब क्या डाल ले? वही दोबारा से सॉस आ गई, दोबारा से मायो सॉस आ गई जो इनकी अपनी एक है। दोबारा अच्छा दोबारा से चिकन जाएगी। ओहो भाई ये है मज़ेदार, तभी तो इसकी प्राइसिंग 350 रुपये है। ये भाई फुली लोडेड हो गई है, मोज़रेला चेडर, मोज़रेला और चेडर चीज़ का मिक्सचर ये आ गया भाई इस पे। कैप्सिकम, अच्छा कैप्सिकम दोबारा से ऊपर से एक दो आ गई, फुली लोडेड हो गई है अब ये, और ये चली गई है हमारी माइक्रोवेव में। अब्दुलरहमान कितनी देर रहेगी ये इसके अंदर? ये दो से ढाई मिनट। चलो भाई 2 से 2.5 मिनट बाद रेडी हो जाए तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो भाई बहुत ही मज़ेदार तंदूरी फ्लेवर में ना मटका फ्राइज़ मेरे पास आ चुकी है, रज़ाक भाई दिखा दो। अच्छा फ्राइज़ खाने के लिए सिर्फ बंस रोड आना और वीडियो बनाना मकसद मैं बताऊँ क्या है, फ्राइज़ का मैं और रज़ाक दोनों ही ना बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। तो जब मैंने इसकी एक दो वीडियोज़ देखी ना तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि चलो और चल के ट्राई करो रज़ाक। रज़ाक ने बोला चलो फिर मैं आपको इसकी चीज़ दिखाऊँ ऊपर, कैसी मज़ेदार सी टॉपिंग है। रज़ाक इसको ना दूर से ही लो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये चीज़, ये आ गई भाई, ये आ गई चीज़। ओए रज़ाक भाई ये पूरी चीज़ है, ऊपर मायो है और ये चिकन आया है, कैप्सिकम है भाई, मज़ेदार सा ना बाइट एक डिक कर रहा हूँ मैं। 350 रुपये की प्राइस बहुत महंगी है भाई, लेकिन टेस्ट में कैसी है ये देखते हैं। रज़ाक निवाला दिखाओ ज़रा, देख लो भाई है ना मज़ेदार लग रही है ना चीज़ ही है। ये देखो चीज़ टपक रही है, आहा आहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द फर्स्ट बाइट ऑफ द मोस्ट फेमस मटका फ्राइज ऑफ कराची, या आप कह सकते हो बंस रोड। वो भी कौन सा फ्लेवर था रज़ाक? टिक्का या बारबेक्यू? आई थिंक तंदूरी फ्लेवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसालों की टॉपिंग हुई है ना चिप्स के ऊपर, और फिर अंदर से ये चिकन,
और फिर अंदर से ये फ्राइज़, कैप्सिकम, मायनीस, ये इसके मज़े को भैया कर रही हैं दो बाला। ओए हाय, चीज़ जो है ना भाई गिरी आएगी। अच्छा 350 रुपये में रजा कि मटका भी हम ले जा सकते हैं अपने साथ? हाँ मटका भी मिलेगा भाई, घर ले जाओ। गिफ्ट है बिस्मिल्लाह। फ्लेवर्स जो है ना इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, 4 से 5 आई थिंक फ्लेवर थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा आपका सबसे रनिंग और सबसे मज़े का कौन सा है, तो उसने बोला भाई तंदूरी। मैंने बोला भाई बना दे, बिस्मिल्लाह करूँ, ट्राई करूँ। ये भाई लास्ट बाइट ले रहा हूँ मज़ेदार सी फ्राइज का। साढ़े 350 रुपये प्राइसिंग जो है ना दादा, वो तो वर्थ है, क्योंकि इसमें चीज़ जितनी दली हुई है, मायो दली हुई है, चिकन की टॉपिंग, कैप्सिकम और फ्राइज़ दली हुई है ना, वो मेरे ख्याल से 350 रुपये जायज़ है। बाकी ये है उनके पास सादे फ्राइज़ भी हैं और मसाला फ्राइज़ भी हैं और भी अदर फ्लेवर्स में फ्राइज़ हैं, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल उमैर तुर्किश के नाम से, बिल्कुल बंस रोड की स्टार्टिंग में फ्रेस्को बेकरी वाली साइड से अगर स्टार्टिंग में आओ तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी इनकी फ्राइज़, चीज़ी फ्राइज़। ज़रूर आकर ट्राई करिएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा आप लोगों को, और अगर पसंद आए तो ज़रूर आके पसंद मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं एंजॉय करूँगा अपनी मज़ेदार मटका फ्राइज। और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार नई एक और वीडियो में, छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। देखिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।